विगत 3.5 वर्षों में सदैव मुझे केंद्रीय नेतृत्व का साथ और बिहार के प्रत्येक बूथ तक के सभी कार्यकर्ताओं का मुझे साथ मिला है। मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया। भव्य जुलूस के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को हम प्रदेश कार्यालय लाएंगे। भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि 3 सालों तक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और जिला कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि मेरा साथ दिया उन्होंने। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 27 मार्च को सुबह 10 बजे मैं सम्राट चौधरी को जो है आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका अभिनंदन समारोह आयोजन होगा और एयरपोर्ट से लेकर कार्यालय तक जुलूस निकाला जाएगा। सुबह 11 बजे से अभिनंदन समारोह कार्यक्रम होगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे भरपूर प्रदेश अध्यक्ष का भरपूर साथ मिला, मुझे खासकर नित्यानंद राय का भरपूर सहयोग मिला। वहीं संजय जायसवाल ने कई बातें अपने कहे, 3 सालों के जो कार्यकाल रहे उनके प्रदेश अध्यक्ष के, उनकी बातों को उन्होंने याद दिलाया। वहीं उन्होंने कहा कि अभिवादन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है 27 मार्च को सम्राट चौधरी को लेकर, और इसको लेकर जुलूस भी निकाला जाएगा। यानी 27 मार्च को सम्राट चौधरी को पार्टी दफ्तर, एयरपोर्ट से लेकर पार्टी दफ्तर तक अभिनंदन समारोह होगा और अभिनंदन समारोह में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जुड़ेंगे और उसको लेकर उनके पार्टी दफ्तर में अभिनंदन समारोह रखा जाएगा और ऐसे में इस कार्यक्रम में तमाम नेता शिरकत करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जरा उनके सुने। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 3.5 वर्षों तक काम करने का मौका दिया। और विगत 3.5 वर्षों में सदैव मुझे केंद्रीय नेतृत्व का साथ और बिहार के प्रत्येक बूथ तक के सभी कार्यकर्ताओं का मुझे साथ मिला है। बहुत सारे मामलों में मेरा NDA के उस पूर्व मंत्रिमंडल के जो साथी थे जदयू के, उनसे मेरा इत्तेफाक नहीं होता था। बिहार के विकास को लेके मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, पर उस समय भी मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने और सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया। उसके लिए मैं बिहार के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आगामी 3 वर्ष तक जो जिला के अध्यक्ष रहेंगे उन सब में भी मुझसे राय ली गई, उसके लिए उनका भी आभार है। और सोमवार को 27 तारीख को 10 बजे की फ्लाइट से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है। 11 बजे हम सब मिलकर के पटना के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करेंगे और एक भव्य जुलूस के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को हम प्रदेश कार्यालय लाएंगे। प्रदेश कार्यालय में उस दिन उनका अभिनंदन समारोह होगा और यह कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। आप सब मीडिया के बंधु भी इसमें आमंत्रित हैं और सभी मीडिया के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि विगत 3 वर्षों में जब भी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आप सभी ने बहुत ही बढ़िया से कवर भी किया और मेरी बातों को बहुत अच्छे से समाज तक पहुंचाया, उसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। तो आपने सुना कि भाजपा के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने किस तरीके से अपने 3 सालों के कार्यकाल के बारे में जानकारियाँ दी और उन्होंने कहा 27 मार्च को अभिनंदन समारोह रखा गया है पार्टी दफ्तर में और सम्राट चौधरी का अभिनंदन किया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।